राधे राधे श्री वचन के श्री सखाओं, द्वापर युग में महाविष्णु के विस्तार स्वरूप आदि शेषनाग ने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम के रूप में जन्म लिए थे और उन्होंने कई सारे दुष्ट राजाओं और राक्षसों का संहार किया था। हरिवंश पुराण और भागवत पुराण के वर्णन अनुसार श्री बलराम ने बचपन में ही प्रलम्बासुर का वध किया था। जब बचपन में सारे गोप बालक मिलकर वृंदावन में हरी नकली दाना नामक बच्चों का खेल खेल रहे थे, तब प्रलंब खेल के बीच भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय मित्र गोप संकर्षण को उठाकर ले जा रहा था और फिर वो अपने राक्षस रूप में आ गया। तब श्री कृष्ण ने दाऊ बलराम को उनके दिव्य शक्ति और सामर्थ्य के बारे में पहली बार ज्ञान दिया और श्री बलराम ने असुर प्रलम्बासुर का वध किया। वृंदावन में ताड़ पेड़ों से भरे हुए जंगल के संरक्षक असुर खड़ के अवतार धेनुका को श्री बलराम ने वध किया था। मथुरा के राजा कंस के सेवा करने वाले सबसे खतरनाक पहलवानों में से एक था मुष्टिक, जो बलराम के हाथों मारा गया था। कंस के और एक पहलवान कुट को श्री बलराम ने वध किया था। कंस का एक भाई था सुनामा, जो श्री बलराम के हाथों मृत्यु प्राप्त हुआ था। बाल्ही के राजा दरद को श्री बलराम के हाथों मृत्यु प्राप्ति हुई थी। राजा दरद मगध के राजा जरासंध के प्रिय मित्र राजा थे और वो जरासंध के लिए काम करते थे। नरकासुर के मित्र भयंकर द्विविध वानर और उसका भाई मेंट को श्री बलराम ने वध किया था। ऋषियों के अनुरोध से असुर इलवल के पुत्र वलवल को श्री बलराम ने हत्या किए थे। अत्याचारी राजा वानासुर के सेनापति कुंभांड और कुपकर्ण को श्री बलराम के हाथों मृत्यु प्राप्ति हुई थी। विदर्भ के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी को पासे के खेल के दौरान झूठ बोलना, धोखा देना और अहंकार दिखाने के लिए श्री बलराम ने मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मिणी के भाई थे रुक्मी, पर वो स्वभाव से अत्यंत अहंकारी और कपट थे। बलराम और रुक्मी दो प्रमुख योद्धा थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। इसके अलावा श्री बलराम ने जरासंध, शल्य, नरकासुर, बाणासुर, निकुंभ आदि अत्याचारी राजाओं के हजारों सैनिकों और असुरों का वध किया था। पूरे द्वापर युग में उनके शारीरिक शक्ति सबसे बड़ी थी, साथ ही वो गदा चलाने में भी श्रेष्ठ थे। इसलिए उन्होंने भीमसेन और दुर्योधन जैसे छात्रों को गदा लड़ाई का कौशल सिखाए। तो मेरे सखाओ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूरी से एक लाइक कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के कई और सारे रहस्य के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।